मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब मोहल्ला लकड़ा जामा मस्जिद रोड के निवासियों की, जिन्होंने सभासद और ठेकेदार शकील के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इंटर ना तोड़ने की एवज में 5,000 रुपए हर गरीब दुकानदार से मांगने के लोगों ने शकील अहमद पर आरोप लगाए हैं। मोहल्ले के निवासी शफीक अहमद ने कहा कि जब एक दिन पहले नाले साफ हो गए तो अब लिंटर तोड़ने का क्या औचित्य है। लोगों ने सभासद और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट फॉर्मिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। हमारी समस्या ये है कि हमारे जो नाले थे वो कल साफ हो गए, हमारे नाले कल साफ हो गए। शकील जो ठेकेदार है वो कल शाम को हमसे आया, बोला जी तुम्हें दुकानदारों 5,000 रुपए देने, तुम्हारा लेंटर बचवाए मैंने। शकील ठेकेदार जब वो यहाँ पर आया, उनने आके यहाँ दुकानदारों 5,000 रुपए मांगे, बोले मैंने तुम्हारे लेंटर बचवाए हैं। उसके बाद आज हम लोग यहाँ थे भी नहीं, हमारी सफाई कल हुई है। आज वो हमारे पीछे सबके लेंटर तोड़वा गया, और एक बच्चा है उनने जो कहा भाई कल सफाई हमारी हुई है तो उसे मारा। हमारी समस्या ये पारी दे समोसा है, जब कल हमारे नाले सफा हुए थे, आज हम अपने लेंटर पे खड़े थे, कल 5,000 रुपए लेने आया था तो मैं अपने बच्चे के पास खड़ी थी, मेरे बच्चे को भी मारा और हमें भी मारा। आदेश आदमी ने शकील ने नहीं तो 5,000 रुपए दे तो 5,000 रुपए हम गरीब आदमी कहाँ से देवे हैं। तुमने हमारा इतना नुकसान दिया है, हमारे बच्चे को इतना मारा उसने और हमें भी मारा। तो शकील के ठेकेदार है, बिम्बल भी है, और उसने हमारे बच्चे को भी मारा और हमें भी मारते गया। औरत जात हम औरत जातों पर उनका हाथ उठाया, अच्छा नहीं चला। इस तरह अजय बहुत बहुत दे रहा है,